कसरावत में सोमवार को समस्त विधानसभा क्षेत्र कसरावत के किसानों की ओर से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा सिंचाई हेतु 10 घंटे के सतत बिजली की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल यादव ने बताया कि वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र में बुआई का समय आ चुका है। ऐसी स्थिति में हर किसान को पानी देने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में बिजली कटौती कुछ ज्यादा ही की जा रही है। 10 घंटे सतत बिजली नहीं मिलने के कारण अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि 10 घंटे सतत बिजली किसानों को दी जाए ताकि समय पर किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर सके। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। आज हमने जो है समस्त विधानसभा क्षेत्र कसरावत के किसानों की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। किसानों की आज जो है भारी बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। उनसे देखा जाए कि गर्मी की जो है बोनी कपास और अन्य फसलों की बोनी जो है चालू हो चुकी है। खेतों में जो है मात्र जो है 2 से 2.5 घंटे बिजली मिल रही है। इतनी बिजली में जो है हमारे खेतों की सिंचाई करना असंभव है। इस देश की भ्रष्ट और निकम्मी और प्रदेश की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को जगाने के लिए आज हमने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से जो है ज्ञापन दिया है कि किसानों की समस्या को देखते हुए हमें जो है 10 घंटे लगातार बिजली प्रदाय की जाए, जिससे किसान आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो चुके और रात और दिन की परेशानियों से जो है बचकर जो है बिजली अपनी फसल को जो है दी। आज जो ये ज्ञापन दिया है इसमें क्या मांग है आपकी? इसमें मांग है कि आज जो है ज्ञापन दिया गया माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से, इसमें मांग की गई कि आज गर्मी के मौसम में जो किसानों की बोनी हो रही कपास और अन्य फसलों की, इसमें किसानों को पर्याप्त बिजली दी जाए। मध्य प्रदेश की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के द्वारा जो है 2 से 3 घंटे किसानों की बिजली दी जा रही है, जिसमें किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और फसल को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के ज्ञापन के माध्यम से हमारे विधायक माननीय श्री सचिन जी यादव के द्वारा मांग की गई है कि किसानों को लगातार 10 घंटे बिजली प्रदाय की जाए। अगर मांगे नहीं मानी तो इसके बाद उनको आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद विस्तार रूप से जो है तहसील स्तर पर जो है धरना और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।